नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोल जनता बोल में और आप सभी के साथ मैं हूँ शालू शर्मा और मैं हूँ हेमंत केवलिया। पेश है आपके सामने आज एक और अहम सवाल को लेकर जिस पर आपकी राय आपके विचार जानने की कोशिश हम करेंगे। दरअसल हमारा सवाल आसाराम से जुड़ा हुआ है, नई सरकार से जुड़ा हुआ है। अपनी रिहाई के संदर्भ में आसाराम का बयान ये आया कि बस दो दिन का खेल है, यदि मोदी आए तो आसाराम बाहर, यदि मोदी प्रधानमंत्री बनके रेप के आरोपियों को छुड़वाएंगे और कानून का मजाक बनाएंगे तो कैसे कल को भाजपा वो बचा पाएंगे, यही हमारा सवाल है। इस पर अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो जिस तरीके से आसाराम बापू सलाखों के पीछे हैं, उन्होंने अब ये बयान दिया, अपनी रिहाई के संदर्भ में आसाराम का यह बयान आया है कि केवल दो दिन है, दो दिन के बाद वो जेल से बाहर, क्योंकि यदि मोदी आए तो आसाराम बाहर दिखाई देंगे। ये रिहाई के संदर्भ में आसाराम की तरफ से बयान आया, यदि मोदी प्रधानमंत्री बनके रेप के आरोपियों को छुड़वाने के लिए अपनी सरकार बना रहे हैं और कानून का मजाक वो अगर बनाएंगे तो क्या कैसे कल को भाजपा वो बचा पाएंगे, यही हमारा सवाल है। जुड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। वाकई में अपनी रिहाई के संदर्भ में आसाराम का बयान सामने आया है, बस दो दिन का खेल है, यानी मोदी आए तो आसाराम बाहर, यदि मोदी प्रधानमंत्री बनके रेप के आरोपियों को छुड़वाएंगे और कानून का मजाक बनाएंगे तो कैसे कल को भाजपा बचाएंगे, यही हमारा आज का सवाल है। आप लोग भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी आसाराम सेशन कोर्ट में पेश हुए थे और आसाराम के कोर्ट में पेश होने के बाद बाहर आए तो उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया कि अब बस दो दिन का खेल है। आसाराम के इस बयान को देखते हुए बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आसाराम के इस बयान के जरिए लोकसभा चुनावों के परिणाम और अपनी रिहाई को जोड़ा जा रहा है वाकई में, और कानून का मजाक बनाएंगे तो कैसे कल को भाजपा बचाएंगे, ये हमारा आज का सवाल है। आप लोग भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। इस बीच प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी स्वागत है आपका बोल जनता बोल में, क्या चल रहा है जहन में सवाल को लेकर? इस सवाल को लेकर मुझे ये कहना है, आपने ये जो प्रश्न उठाया है ये प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। अभी तक आपने केवल आसाराम जी के वक्तव्य को देख लिया और एक ऐसे आदमी को जो अभी इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है उस आदमी को लेकर के आपने विचारधारा ऐसे बना ली कि मोदी ये करेंगे वो करेंगे, कैसे करेंगे, जो चीज कानून के विचाराधीन है उसके ऊपर कोई भी आदमी कैसे कोई निर्णय कर सकता है, कैसे उसको फैसले को बदल सकता है। और ये तो सवाल उस प्रकार का है जिस प्रकार से एक बरसाती नदी के अंदर अभी बाढ़ आई नहीं, पानी आया नहीं और उसको पार करने वाला जो सूखी नदी है उसको आपने कपड़े पहले ही उसको आदमी ने उतार लिए। आपके आपके इस टीवी की स्थिति ये हो रही है, रश नदी उठा नहीं है अभी, ऐसा लगता नहीं है कोई मोदी कोई इतने छोटे स्तर के आदमी है कि जो आउट ऑफ दी वे जाकर के इस प्रकार की प्रक्रिया करेंगे, मेरे को नहीं लगता। चलिए बेहद शुक्रिया राय देने के लिए। चाहेंगे तमाम दर्शक से जो हमारा आज का सवाल है उस पर अपनी राय दे, मुद्दे से ना बट के, अगर मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या रेप के आरोपियों को छुड़वा देंगे तो कैसे कल का भाजपा बनाएंगे, ये हमारा आज का सवाल है। आप लोग भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। बिल्कुल, अपनी रिहाई के संदर्भ में आसाराम का यह बयान आया, उन्होंने कहा कि केवल दो दिन रह गए हैं, दो दिन के बाद जब मोदी सरकार बनाएंगे तो वो जेल से बाहर दिखाई देंगे, ये उन्होंने अपनी रिहाई के संदर्भ में बयान दिया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी कानून का मजाक बनाने वाले हैं, भाजपा को आखिर वो कैसे बचा पाएंगे अगर ऐसे आरोपियों को बाहर करवा दिया जाएगा। तो हमारे साथ एक दर्शक दर्शन जी है। दर्शन जी बहुत स्वागत है आपका बोल जनता बोल में, क्या कहेंगे आज के सवाल का? जी नमस्कार, जी चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए। तो वाकई यही स्थिति निकल कर सामने आ रही है, यानी कि दो दिन महज रह गए हैं सरकार का ऐलान होने में, और सरकार के ऐलान होने से पहले की अगर बात कर ली जाए तो एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो वहां पर नरेंद्र मोदी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एग्जिट पोल बयां कर रहा है। लेकिन हमारा सवाल आसाराम बापू को लेकर जुड़ा हुआ है, यानी कि आसाराम बापू रिहाई अपनी रिहाई के संदर्भ में बयान देते हैं कि केवल दो दिन रह गए हैं, यानी कि 15 और 14 तारीख है, उसके बाद सारी चीजें उनके पाले में होंगी क्योंकि वो जेल से बाहर होंगे।
इस बीच पंकज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी स्वागत है आपका बोल जनता बोल में। क्या चल रहा है जहन में सवाल को लेकर? जी नमस्कार। जी नमस्कार। पानीपत से बात कर रहा हूँ, पंकज पंकजा। जी मुझे नहीं लगता कि मोदी जी ऐसा कुछ करेंगे। मोदी जी की लहर बहुत अच्छे से है पूरे इंडिया में, और जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक हम जानते हैं, मोदी जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बल्कि दूसरी सरकार अगर कांग्रेस आती है तो बहुत तरह की आसाराम जी को चढ़वाया जाए, कुछ किया जाए, लेकिन मोदी, मेरे ख्याल से मोदी नहीं करेंगे। मोदी की जिस तरह से लहर है, मोदी ने ऐसा किया तो मोदी जी की लहर तो खत्म हो जाएगी। मोदी का खेल नहीं है। चलिए बेहद शुक्रिया पंकज जी राय देने के लिए। तो आसाराम की रिहाई में संदर्भ में आसाराम का बयान सामने आया कि सिर्फ महज बस दो दिन का खेल है। तो ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो कल ही भाजपा को बीजेपी को कैसे बचा पाएंगे, ये हमारा आज का सवाल है। आप लोग भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। इस बीच एक दर्शक रमेश जी है। रमेश जी क्या कहेंगे आज के सवाल को लेकर आप? मैडम जी नमस्कार। जी अच्छा मैडम जी, ऐसा है आसाराम जी एक वो हैं, भगत हैं, गुरु हैं, ठीक है जी जी। उन्होंने मोदी जी की सपोर्ट की थी गुजरात के अंदर जी, इलेक्शन में पूरी तकड़ी सपोर्ट की थी मोदी जी की। उसी वजह से मोदी जी जीते थे गुजरात में, कांग्रेस की कम सीटें आई थी। जब आसाराम जी जेल में चले गए, कांग्रेस को पता था कांग्रेस का नाश हो जाएगा वहां राजस्थान वगैरह, आसाराम को गिरफ्तार करेंगे तो मोदी का फायदा हुआ सर आसाराम के जाने से। इसने दो चार बयान गलत दे दिए, मंदबुद्धि का जवान है बोले राहुल और सोनिया गांधी विदेशी है इसलिए जेल में चले गए। अभी इस मोदी जी का फर्ज बनेगा जी, वो निकलवाए कानून से कैसे कैसे गलत कानून में फंस रहा उसको बताने का फर्ज है इसका जी। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए। तो रमेश जी कह रहे हैं कि जो रेप के मामले में आरोपी हैं आसाराम बापू, उनको बाहर निकाला जाएगा अगर मोदी आते हैं, क्योंकि कांग्रेस की ये कांग्रेस का शिकार हुए आसाराम बापू और इस वजह से वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अगर मोदी आते हैं तो वो जेल के सलाखों के बाहर दिखाई देंगे। आपकी क्या राय है? आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। आपके जहन में आज के सवाल को लेकर क्या चल रहा है? क्योंकि इससे पहले की अगर बात की जाए, आसाराम बापू कानून के शिकंजे में आने वाले थे, तो उससे पहले सबसे पहले जो बयान दिया गया था बीजेपी की तरफ से, उमा भारती का बयान आया था उनके संदर्भ में, उनके समर्थन में बयान दिया था कि आसाराम बापू ऐसे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कानून के शिकंजे में वो फंसते नजर आए। और अब ये बयान रिहाई के संदर्भ में आसाराम बापू का आया कि अगर दो दिन का केवल खेल रह गया है, दो दिन के बाद वो जेल से बाहर है क्योंकि मोदी आने वाले। वाकई में रिहाई के संदर्भ में आसाराम बापू का बयान सामने आया है कि सिर्फ महज बस दो दिन का खेल है। तो ऐसे में मोदी सरकार आती है तो आसाराम बापू जेल से बाहर। तो ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जो रेप के दुष्कर्म के आरोपी हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे? तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जो है वो कल के जो भाजपाई है वो कैसे सरकार बनाएंगे, ये महाराज का सवाल है। आप लोग भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। सवाल और नंबर लगातार दोनों आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 0114321 हमारा नंबर है। बिल्कुल, आसाराम बापू नाबालिग जो महिला है उसके आरोपी हैं, और आरोपी होने के साथ साथ वो जेल सलाखों के पीछे हैं, कानून के शिकंजे में वो हैं। लेकिन अभी तक उनका ये बयान आना कई मायने खड़े करता है। रूबी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं। रूबी जी बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आज के सवाल पर, आप क्या समझ रही हैं? जी सर, रही बात ये कि मोदी जी इनको बाहर निकालेंगे, ये तो इम्पॉसिबल चीज है, क्योंकि ये तो आप और हम हर इंसान मीडिया के थ्रू जानता है आसाराम ने जो भी कुकर्म किए हैं। मैं नहीं इसको गिनवाना चाहूंगी उन्होंने क्या किया, बट उन्होंने जो किया है दुनिया जानती है। हेलो जी। देन सर दूसरी बात ये है कि अगर हम कहते हैं कि मोदी आएंगे तो वो बाहर आ जाएंगे, गोपाल कांडा ने तो जो भी कांड किए थे कांग्रेस के राज में किए थे, इसको क्यों नहीं फांसी हुई? वैसे तो रेपिस्ट को फांसी है जी जी, 16-12 में जो केस हुआ था उसके लिए फांसी हुई थी जी। तो सर इनको क्यों नहीं? और दूसरी बात, अगर मोदी जी ऐसा करते भी, अगर हम एक माइनस पॉइंट लेके चलते हैं कि मोदी जी अगर ऐसा करेंगे भी तो उसके बाद आपको क्या लगता है मोदी जी सत्ता में रह पाएंगे? इतने लोगों का बहिष्कार लेके कोई इंसान सत्ता में नहीं रह सकता जी। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए। तो वाकई अगर ऐसा किया जाता है, यानी कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनके जो दुष्कर्म के आरोपियों को बाहर अगर वो निकलवाते हैं, यानी कि उनको छुड़वाते हैं और कानून का मजाक बनाते हैं, तो शायद जो जनता है जिन्होंने उनको चुना, हालांकि अभी तक कुछ तय नहीं है कि मोदी सरकार बनाने वाले हैं या फिर नहीं, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक मोदी सरकार बनाने वाले हैं, लेकिन अभी नतीजों का इंतजार और उससे पहले यह बयान आना, यानी कि
आसाराम बापू का बयान आना कि केवल दो दिन का खेल है, दो दिन के खेल के बाद सब कुछ उनके पाले में होगी बॉल। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं आज के सवाल को लेकर, जुड़ सकते हैं अपनी बात कह सकते। वाकई में अपनी रिहाई के संदर्भ में आसाराम बापू का बयान सामने आना कि सिर्फ महज दो दिन का खेल है, तो ऐसे में इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार आने के बाद क्या जो दुष्कर्म के जितने भी आरोपी हैं, संत जो गुरु हैं, उनका जो खेल है क्या वो खत्म हो जाएगा। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी स्वागत आपका बोल जनता बोल में, क्या चल रहा है जहन में सवाल को लेकर? नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कांग्रेस जो है मुंगेरी लाल के सपने देख रही है जी वापस सत्ता में आने के, इसी प्रकार हमारे माननीय आसाराम जी जो है बाहर आने के सपने देख रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है जी, और मोदी जी कदापि ऐसा नहीं करेंगे। और मोदी जी निश्चित रूप से जो है भारत देश के प्रधानमंत्री बनकर आएंगे और एक अच्छी सरकार लेकर आएंगे, बस इतना ही कहना था। चलिए पंकज जी बेहद शुक्रिया राय देने के लिए। तो वो तो वक्त ही बताएगा मोदी के आने के बाद क्या आसाराम बापू जेल से बाहर आ जाते हैं। यही हमारा आज का सवाल है, आप लोग भी कॉल कर में अपनी राय दे सकते हैं। बिल्कुल। इस बीच एक और दर्शक राम कुमार जी हैं। राम कुमार जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आज के सवाल पर आप? राम कुमार जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मैं बोल रहा हूँ जी, कहिए। ऐसा कदापि नहीं होगा सर, ऐसे तो ये रेप अपराध तो बड़ी हो जाएगी, अपराध का मतलब जी जी अपराध बढ़ जाएगा, ऐसे मोदी जी बिल्कुल नहीं करेंगे सर। हमने इसको जनादेश क्यों दिया है? हम लोग कानून की व्यवस्था बनाने के लिए दी सर। जी 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 जी। तो ऐसा नहीं होगा सर, असंभव सी बात है। तो ये तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगी कानून का। तो फिर वाकई चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात करने के लिए। तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम एजेंडे उनके पास हैं और वो एजेंडे लेकर वो आएंगे अगर सरकार बनाते हैं तो। हालांकि इंतजार दो दिन का है, लेकिन इस बीच ये बयान आना, यानी कि आसाराम बापू का बयान आना कि केवल रिहाई के संदर्भ में बस दो दिन का खेल है, दो दिन के खेल के बाद वो बाहर होंगे, ये उनका कहना था, ये उनका कहना निकल कर सामने आया। लेकिन उनके कहने के साथ साथ कई मायने भी अब खड़े हो चुके हैं और कई सवाल भी खड़े हो चुके हैं कि आखिर आसाराम बापू ने ये बात कही है तो अगर ऐसा होता है, यानी कि आरोपियों को छुड़वाया जाता है मोदी की तरफ से, सरकार अगर उनकी बनती है तो क्या दुष्कर्म के आरोपियों को छुड़वाया जाएगा और कानून का मजाक बनाया जाएगा? और अगर कानून का मजाक बनाया जाता है तो कमल को आखिर कैसे बचा पाएंगे नरेंद्र मोदी? यही हमारा सवाल है। आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। वाकई में नरेंद्र मोदी कमल को कैसे बचा पाएंगे, ये हमारा आज का सवाल है। आप लोग भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आसाराम का दो दिन पहले ये बयान आना कि बस सिर्फ महज दो दिन का खेल। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या चल रहा है जहन में सवाल को लेकर? राम निवास जी अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो जी। जी हेमंत जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी सरकार बनाते हैं और ये आसाराम पर ये निर्णय लेते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए तो निश्चय ही कांग्रेस और मोदी जी में यानी भाजपा में क्या अंतर होगा। मैं तो ये हरगिज नहीं मान सकता कि मोदी जी सरकार बनाने के बाद आसाराम को इस प्रकार से छोड़ेंगे, क्योंकि मोदी जी हर जगह नारी को सुरक्षित रखने की बात कर रहे थे और परिवर्तन की लहर जो बनी थी वो इसी प्रकार के मुद्दों से बनी थी कि सुरक्षा निश्चित की जाएगी, न केवल नारी की अपितु हर भारतीय की। और इस प्रकार से अगर आसाराम को छोड़ेंगे, मैं तो ये समझता हूँ कि आसाराम को कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। अगर छोड़ना कांग्रेस चाहती तो वो वोट ले सकती थी, लेकिन अगर मोदी जी ऐसा करेंगे तो दोनों ही स्थिति में कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं रहेगा, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जाएंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी ऐसा हरगिज नहीं करेंगे और वो केवल न्यायपूर्ण बात करते हुए उसका साथ देंगे कि न्याय प्रणाली जो भी निर्णय करेगी वो उचित निर्णय होगा और उसी को संवैधानिक रूप से माना जाना चाहिए। और मोदी जी ने उच्च पद पर
चलिए राम निवास जी, बेहद शुक्रिया राय देने के लिए। तो राम निवास जी का यही कहना था कि मोदी के सरकार आने पर ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे कहलाएंगे। तो आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है सवाल को लेकर, आप लोग भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आसाराम बाबू के जेल जाने से पहले उनके समर्थन में बीजेपी की तरफ से ही सबसे पहले उमा भारती आई थी, लेकिन उसके बाद वो अपने बयान से पलट गई और बयान से पलटने के बाद आसाराम बापू जेल चले गए और कांग्रेस ने उस वक्त बड़ी चुटकी भी ली थी। लेकिन अब ये बयान आना कई मायने खड़े कर रहा है। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी हैं। लक्ष्मी नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार सर जी। नमस्कार। देखिए, आप ही कह रहे थे ना, जब आसाराम को गिरफ्तार किया जी, तो बीजेपी के कुछ लोगों ने उसके बारे में पक्षपात किया था। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कहते थे कि इनके साथ जाती हुई है। इसका मतलब बीजेपी का नेतृत्व या बीजेपी के लोग काफी हद तक आसाराम के प्रति हैं, उनका नरम रवैया है आसाराम के प्रति। जी जी। और हो सकता है कि ये जो बीजेपी है ये हिंदुत्व का मुखौटा है और वो हिंदुत्व के नारे पर आसाराम को ठीक आदमी मानते हैं, जबकि आसाराम जैसा घिनौना आदमी इस देश के अंदर नहीं होना जी। और हो सकता है कि बीजेपी का दबाव पड़े आसाराम को छुड़वाने के लिए। अगर ये होगा तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई भी फर्क नहीं है, जो कारनामे उन्होंने किए हैं ये वही करेंगे और इससे नुकसान उठाएंगे वो। वाकई मेरा तो ये कहना है कि ये इन्होंने इस तरह के आदमियों की बहुत ही अच्छी तरह सजा दिलानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई हमारे संस्कृति से खिलवाड़ ना करे। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए। तो सख्त इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लक्ष्मी नारायण जी का साफ कहना है। और अगर अब सरकार बनती भी है किसी की भी, तो भी ये कार्रवाई जारी रहनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा उनको मिलनी चाहिए, साफ तौर पर लक्ष्मी नारायण जी का कहना था। लेकिन संदर्भ की अगर बात की जाए और समर्थन की अगर बात की जाए, तो बीजेपी सबसे पहले आसाराम बापू के समर्थन में आई थी, लेकिन उसके बाद एक एक करके सभी के सब अपने पैर खींचते हुए नजर आए। उस वक्त कांग्रेस ने चुटकी भी ली थी और कांग्रेस ने चुटकी लेने के बाद कानून का खौफ दिखाते हुए आसाराम को जेल में भेज दिया। आज आपके सवाल जो हमने सवाल उठाया, यानी कि अपने रिहाई के संदर्भ में उन्होंने बात कही है कि दो दिन का खेल है, आप ऐसे इसे क्या समझ रहे हैं? आप भी जुड़ सकते हैं अपनी बात कह सकते। वाकई में रिहाई के संदर्भ में आसाराम बापू का बयान सामने आना कि बस महज दो दिन का खेल है, तो ऐसे में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें भी इस मायने को, इस बयान को जोड़ा जा रहा है। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूनम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे सवाल को लेकर? चलिए, लगता है फिलहाल संपर्क टूट गया, तो आप लोग भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में बेहद ही कम समय बचा है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो आसाराम बापू जेल से बाहर होंगे, ऐसा संकेत दिया जा रहा है आसाराम बापू की तरफ से, क्योंकि उनका रिहाई के संदर्भ में बयान सामने आना कि सिर्फ बस दो दिन का खेल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव परिणाम आने में सिर्फ महज दो दिन ही बचे हैं, और ऐसे में यहाँ पर आसाराम बापू का बयान सामने आना कि दो दिन का खेल है, तो ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी के आने पर जो रेप के दुष्कर्म के आरोपी हैं आसाराम बापू, क्या वो जेल से बाहर आ जाएंगे? यही हमारा आज का सवाल है, आप लोग भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। बिल्कुल, देश के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनकर सामने आती है जब इस तरीके के बयान निकलकर सामने आते हैं। साफ तौर पर, खुले तौर पर उन्होंने कहा कि केवल दो दिन का खेल रह गया है अगर सरकार मोदी की बनती है, और वो पूरी तरीके से आश्वस्त भी हैं कि मोदी की सरकार बनेगी, बीजेपी सत्ता में आ रही है, ये साफ तौर पर देखने को मिला उनके बयान के जरिए। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, आरके गुप्ता जी हैं। आरके गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? आरके गुप्ता जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क उनसे कट गया है। एक बार फिर कोशिश कीजिए हमसे अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि ये मंच आपका, ये कार्यक्रम आपका है। हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संदर्भ निकल कर सामने आया, यानी कि अपने रिहाई के संदर्भ में आसाराम बापू ये कहते हैं कि केवल दो दिन का खेल रह गया है, दो दिन के खेल के बाद वो सलाखों से बाहर होंगे, क्योंकि कई दिन हो गए सलाखों के पीछे रहते रहते, लेकिन अब उनके भी अच्छे दिन आ गए हैं, ये बात उनकी तरफ से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि यदि मोदी आते हैं, क्या रेप और दुष्कर्म के आरोपियों को वो छुड़वाने आ रहे हैं? क्या कानून का मजाक उड़ाने के लिए वो आ रहे हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर कमल कैसे खिल पाएगा इस देश के अंदर, कमल को कैसे बचा पाएंगे नरेंद्र मोदी? यही हमारा सवाल है। आप जुड़ सकते हैं अपनी बात कह सकते हैं।
वाकई में मोदी प्रधानमंत्री बनकर जब सामने आएंगे तो क्या दुष्कर्म के जो आरोपी हैं उनको जेल से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि आसाराम का बयान सामने आता है कि मैं सिर्फ दो दिन बचे हैं, तो इसके मायने क्या निकाले जाएं, क्या दुष्कर्म के जो आरोपी हैं उनको वो जेल से रिहा हो जाएंगे? तो ऐसे में अगर मोदी की सरकार आती है तो कैसे बीजेपी को वो बचा पाएंगे, ये हमारा आज का सवाल है। आप लोग भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में बेहद ही कम समय बचा है। संदीप जी हमारे साथ जुड़ गया। संदीप जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या चल रहा है जहन में सवाल को लेकर? जी मैम, ये आसाराम जी के और बीजेपी के अंदर ऐसा कोई तालुकात नहीं है जो उनको ऐसी आग लगी है कि उनकी हालत के बाद उनकी रिहाई हो सकती है, ये सब झूठ है। और नरेंद्र जी मोदी बहुत ही अच्छे ख्याल आते हैं, जो उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। अगर उन्हें जब उनको गिरफ्तार किया था तभी बोलना था उन्होंने, लेकिन मोदी जी ऐसा कुछ करेंगे जो आप सोच रहे हैं। मोदी जी अच्छे ख्याल के गुंडे हैं, उनको आगे बढ़ना है और आसाराम जी को जो सजा मिली है उसके लिए वो बरकरार रहेंगे। जी चलिए, बेहद शुक्रिया राय देने के लिए। तो आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है सवाल को लेकर, आप लोग भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। सवाल